का धन्यवाद है। जिस परिप्रेक्ष्य के अंदर आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है उससे आप भलीभांति परिचित हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार लंबे समय से चल रहा है, हनुमानगढ़ इलाके के अंदर कुछ समय बाद किसान आंदोलन को एक साल का समय हो जाएगा। इस किसान आंदोलन के दौरान इलाके की बात करें, कई तरह के दौर आंदोलन में आए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक, गली मोहल्ले गांव ग्वार तक इस आंदोलन को कमजोर करने की साजिशें निरंतर रची हैं। आपने देखा, हम सभी ने देखा किस तरह से इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले किसानों को खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी समर्थित कहा गया, नक्सलवादी कहा गया, वो सब हमने देखा। उसी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तर के जो नेता हैं, उन्होंने इस तरह से आरोप किसानों के ऊपर लगाए और झूठे षड्यंत्र किसानों के खिलाफ रचे, उसी कड़ी के अंदर उनके जो निम्न स्तर के नुमाइंदे हैं उन्होंने भी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसान चौपाल के नाम से भी प्रोग्राम चलाकर गांव-गांव में जाकर के किसानों के बीच में भ्रांति फैलाने का षड्यंत्र भी इन्होंने शुरू करने का प्रयास आज से तकरीबन 4-6 महीने पहले किया था। उस कड़ी में केंद्रीय मंत्री यहां आए थे कंडीशन सैजीपुरा में, जब इन कानूनों की अच्छाई उनसे पूछी गई तो उनको जवाब देते नहीं बना। एमएसपी पे खरीद की गारंटियां कानून बनाने के लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया और वो यहां से उनको उल्टे पैर भागना पड़ा। किसानों का विरोध, भारी विरोध के चलते उनको यहां अपनी किसान चौपाल, जो झूठी किसान चौपाल वो लगाने का प्रयास कर रहे थे, वो उनको बीच में छोड़ के जाना पड़ा। ये सब हम लोगों ने यहां देखा है। अभी जिस तरह से कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जिस तरह से किसानों के ऊपर, यहां जो हमारे टोल प्लाजा पर जो हमारे किसान साथी बैठे हैं उन पर जिस तरह से आरोप लगाए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं, हालांकि उनका इतना स्तर नहीं है कि उनको हम लोग जवाब दें, इतना स्तर उनका नहीं है। भले ही वो विधायक बन गए हैं लेकिन उनके चाल और चरित्र को पूरा इलाका अच्छी तरह से जानता है कि वो उनका चाल और चरित्र जो है वो किस तरह का है। उनका चाल और चरित्र किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों ने अपनी बात रखी है। उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, अगर बात करें व्यक्तिगत आरोपों की कि भी वो कांग्रेसी है, वो कामरेड है, उसके पास में 1 बीघा जमीन नहीं है, इसके पास 4 बीघा जमीन नहीं है, मैं बताना चाहता हूं हम लोगों की रगों के अंदर वो खून है। मेरे खुद के सगे सरदादा जी शंभू सिंह राठौड़ जी जो प्रधान सेनापति थे, अजमेर रियासत के, महारावल की उपाधि थी उनको। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये इन लोगों का कहीं कोई स्तर नहीं है, वो खून है हमारे में। उस समय से हम लोग साथ देते हुए आ रहे हैं, वो हमारे परिवार का बैकग्राउंड है। बोलने से पहले उनको देखना चाहिए उनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनका पारिवारिक स्तर किसी से छिपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं भली भांति। और किस तरह के शब्द जो किसानों के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। रेशम सिंह मानुआ ग्राम पंचायत के सरपंच रहे, लाखों लोग आज किसान आंदोलन के साथ हैं, प्रत्येक विचारधारा के लोग किसान आंदोलन के साथ हैं। जो किसानों के साथ है, जो हमारे साथ है, वो हमारा दोस्त है। जो इन कानूनों की पैरवी करता है वो हमारा दुश्मन है। जो इन कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो किसी भी विचारधारा का है, साथी चरणजीत सिंह जी बैठे हैं यहाँ, अभी आपने उनको सुना, भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की एक शाखा, भारतीय किसान संघ के वो जिलाध्यक्ष थे,
जब उन्होंने इन काले कानूनों के बारे में बार बार आरएसएस के सामने बात रखी कि आप लोग ये गलत कानून किसानों पर थोप रहे हो, इनको वापस कीजिए, लेकिन आरएसएस के लोगों ने उनकी बात को नहीं सुना, तो उन्होंने अपनी गैरत, अपनी जमीर के जिंदा होने का परिचय देते हुए उन्होंने भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। ये है जिंदा जमीन के लोग, कुर्सी लोग नहीं है। इस लड़ाई को लड़ने वाले जो लोग हैं, दिल्ली से लेकर के इलाके तक सब लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, कुर्बानियां देने वाले लोग हैं, शहादतें देने वाले लोग हैं। कुर्सी लोलुप लोग नहीं है। इन नेताओं की तरह से, इन एमएलए साहब की तरह से जो कल तक यहां भागरा के किसान आंदोलन में हमारे साथ खड़े होकर के, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहां भागरा में पानी के लिए जब हम लोग यहां लड़ाई लड़ा करते थे खड़े होकर के, उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के जो आज विधायक हैं, ये अभी जो ये डॉक्टर साहब हमारे पूर्व मंत्री, उस समय सिंचाई मंत्री हुआ करते थे, इन्हीं सिंचाई मंत्री को, डॉक्टर साहब को, यही संगरिया के विधायक महोदय पानी पी पी के कोसा करते थे। आज वही आज विधायक उन्हीं की गोदी में बैठ करके और किसानों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। उन्होंने उस समय जब वो यहां किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े होकर के किसान हितैषी होने की बात करा करते थे, कहां है वो उनका किसान हित? उनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए थी। सत्ता लोलुप लोग हैं वो, लेकिन जो लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं, जो लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनको ना तो कभी कुर्सी की भूख थी, ना ही कभी उनको कुर्सी की जरूरत थी। जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो कुर्बानी देने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि जो इस तरह से ये जो लोग हैं, जो किसान आंदोलन को इस तरह की बातें करके और किसान आंदोलन को कमजोर करने का जो षड्यंत्र रचते हैं, इस तरह के लोगों को इलाके का किसान, पूरे देश का किसान माकूल जवाब देगा। और अब हमारा जो आगामी प्रोग्राम है वो हमारे किसान मोर्चा के जो हमारे साथी नेता हैं उन्होंने आपके सामने रख दिया है। आप सब लोग आए, आपका बड़ा धन्यवाद। कुछ सवाल यदि आप पूछना चाहते हैं तो आपके प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं।